الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأخدة من لساني يفقه خولي میری بينو اور بہنوں میں درس میں اسلامی مقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته उम्मीद करती हूं कि आप तमाम की मेरी यहां पर मौजूद तमाम की तमाम बहनें बाखरियत होंगी खैरियत से है ना आप सब लोग थोड़े से लोगों की आवाज आई जोर से आना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला खुश होता है जब बंदा अल्लाह का शुक्र अदा करता है है ना खैरियत से आप सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं बोला अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अल्फाज में हमारी वो असर हमारा दिखता है जो अल्लाह सुबहाना व तआला को पता चलता है इस बात से कि मेरा बंदा कितनी दिल की गहराइयों के साथ मेरे मेरे अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है ना तो आखरी से आप सब लोग खैरियत से आप सब लोग माशाल्लाह बारक अल्लाह मेरी बहनों जैसा कि आप तमाम लोगों को मेरा आज का عنوان पता है शब बारात शब बारात यह عنوان शुरू करने से पहले हम आते हैं हमारे पहले कलीमे की तरफ उसके बाद चलते हैं हम ये शाबान की हकीकत ये शाबान में मुझे और आपको करना क्या है इंशाल्लाह <क्ष़> और फिर ये शबे बारात की क्या हकीकत है वो तमाम की तमाम चीजें हम देखेंगे आज इंशाल्लाह <क्ष़> तैयार है आप सब लोग इक्की भी आवाज नहीं मुझे तैयार है आप सब लोग <क्ष़> वो कौन सा कलीमा है जो एक गैर मुसलमान मुसलमान बनने के लिए पढ़ता है बोलिए आप मुझे क्या है वो कलीमा बोलना थोड़े छोटे छोटे बच्चे बोल रहे हैं आप लोग जोर से बोलना ये कलीमा एक गैर मुसलमान पढ़कर ही इस्लाम में दाखिल होता है बराबर सही बोल रही हूँ ना मई नहीं नहीं जी चौथा कलीमा पढ़ के दाखिल होता है ऐसा तो नहीं है ना हा माशाल्लाह ये एक क़लीमा एक ऐसा कलीमा है मेरी बहनों जो मुझे और आप को बतलाता है कि अब मेरी जिंदगी मेरी जिंदगी नहीं है मेरी पूरी जिंदगी जो मैंने कलीमा पढ़ा है उस कलीमे के मुताबिक मुझे गुजारनी बराबर हाँ कलीमे में मैंने और आपने कितने लोगों का नाम लिया ला इला ला। नहीं है कोई माँगूद? और मोहम्मद कौन है अब यहाँ पर मेरा जो पूरा उन्वान है ना उसमें आप तमाम लोगों के लिए ये बेस कलीमा भी याद रखें शुरुआत से अगर आप याद नहीं रखेंगे ना तो फिर एंड पर आप पहुंच जाएंगे पता नहीं मैं कहां से आई कहां जा रही हूं मुझे मालूम ही नहीं वो वाला हिसाब अब हमारा नहीं होना इंशाल्लाह तो हमारा कलिमा क्या है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मैंने इस बात का किया। आपने इस बात का किया। हर किसके और? कलिमा पर ना हमने ला 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 अब मेरी मर्जी मेरी मर्जी नहीं है मेरी मर्जी किसकी मर्जी अल्लाह की मर्जी किसकी मर्जी होगी किसकी मर्जी हमारी मर्जी हम अल्लाह भी नहीं चलाएंगे अल्लाह की मर्जी पर हम चलेंगे ठीक है अच्छा कलीमा तो हमने पढ़ लिया इबादत तो हमको किसकी करनी है सिर्फ और सिर्फ की करनी है? सिर्फ और सिर्फ की करनी है। अच्छा इबादत का तरीका बतलाने वाले कौन है हम लोगों को जोर से बोलो ना जी घर में जाके खूब खाना खाओ अभी आ, मेरे ख्याल कभी रोजा नहीं होगा है ना चले हमको इबादत का तरीका बताने वाले कौन मोहम्मद जिसका कलीमे में नाम लिए ना हम मोहम्मद अब मुझे और आपको पैदाइश से लेकर मौत तक हर चीज बताने वाले कौन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे और आपको जिंदगी की इबादत का हर तरीका बताने वाले कौन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं और आप अगर मुसीबत और परेशानी में है तो मुझे और आपको करना क्या है ये भी किसने बताया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया मुझे और आपको अपनी मकफ़रत कैसी करनी है ये भी अल्लाह व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए बतला दिया मुझे और आपको अल्लाह के सामने तौबा कैसी करनी है ये भी तरीका मुझको और आपको बतला दिया गोया हमारी ज़िंदगी का हर लम्हा हर मरहला हर हिस्सा मुझे और आपको गुजारना कैसे है मेरी और आपकी जिंदगी के तमाम के तमाम मराहल में हमको रहना कैसे है तरीका किसका लेना है हर चीज मुझे और आपको बतला दी गई बतला दी गई नहीं बतला दी गई? इसीलिए दीन इस्लाम को मुकम्मल दीन बोला गया ना है ना मैदा में अल्लाह तला क्या कहते हैं हमने दिन को मुकम्मल कर दिया आप मेरा और आपका दिन मुकम्मल हो गया नहीं हो गया दीन इस्लाम मुकम्मल है नहीं है पूरे जवाब दो ना है, है माशाल्लाह जी ये बात अब याद रखना हमारा दिन मुकम्मल हो गया ठीक है लास्ट में आऊंगी मैं इन ये पॉइंट्स की तरफ मेरा और आपका तरीका कौन बतलाएंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका मैं कलीमा पढ़ी है ना फिर मैं इबादत किसकी करूंगी अल्लाह की किसके तरीके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर ये तीन बेसिक रूल है जो आपको अब यहाँ पर याद रखने हैं मेरा दिन मुकम्मल हो गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से जाने से पहले अल्लाह व तआला ने दीन को मुकम्मल कर दिया इस बात में कोई शक है है अगर है तो फिर हम ईमान वाले नहीं हो सकते ठीक है हाँ तो अब दिन मुकम्मल हो गया हर चीज बतला दी गई करना क्या है क्या नहीं करना है वो भी बतला दिया गया बराबर हाँ, चले, ये रूल याद रख ले अब आइए शाबान की तरफ पहले तो अल्लाह सुबहाना ताला ने सूर तोबा सूरह नंबर नाइन की आयत नंबर थर्टी सिक्स में अल्लाह ताला कहता है कि अल्लाह के नजदीक महीनों की गिनती कितनी है बारह है कितनी है अच्छा मुझे कोई दो बहने पूरे बारह महीनों के नाम यहाँ पर बोलेंगे इन पूरे बारह महीनों के नाम दो बहने हमारी जल्दी 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 अल्लाह ताला बोल रहे कुरान क्या आ जाते ये अल्लाह के नजदीक महीनों की गिनती बारह है कौन से वो बारह महीनों के नाम इस्लामी बारह जनवरी फरवरी नहीं कोई उठ के बोलना पूरे मिलके नहीं बोलना जल्दी जल्दी टॉपिक पूरा कंप्लीट करना है को आज उसके उसके बाद उसके बाद और कोई अब यहाँ से आज उठ के जाने से पहले ना हम बहुत सारा इल्म का जखीरा लेके उठेंगे इंशाल्लाह खाली आए सुन लिए चले गए मेरी बहनों आप लोग जानती है ना ये मजलिस कितनी अहम है, मजलिस हैं यकीन मानो ना आप कोई मामूली है ना मैं मामूली हूं बल्कि ये मजलिस से भी कोई मामूली नहीं है सही मुस्लिम की हदीस से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस जगह पर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र किया जाता है अल्लाह के कानून को पढ़ा जाता है अल्लाह के कानून को सीखा जाता है समझा जाता है अल्लाह सुबहाना हुक्म से फरिश्ते उस पूरी की पूरी मजलिस को घेर लेते हैं यानी अब मुझे और आपको अल्लाह की रहमत के फरिश्ते घेरे हुए अल्हम्दुलिल्लाह कितनी बड़ी बात है ये

Ya Rab, ya Rab, हमारा नाम किसके सामने लिया जा रहा अल्लाह अकबर वो जात जिसके हाथ में पूरा पावर है वो जात जिसके हाथ में पूरी खुवत है वो जात जिसके जिसके हाथ में तमाम के तमाम खजाने हैं उस जात के सामने मेरा और आपका नाम लिया जा रहा अल्लाह अकबर पीएम मोदी के सामने अगर लिया गया तो कितना खुश हो जाते खुशी के ठिकाने नहीं रहते हमारी बड़ी दावत हो जाती नहीं घर में नहीं या किसके सामने लिया जा रहा और लेने वाले भी कौन है फरिश्ते ऐसे वैसे लोग नहीं अल्लाह की एक प्यारी मखलूक फरिश्ते मेरे और आपका नाम ले रहे अच्छा ठीक है खाली नाम ले लेते क्या खाली नाम लेते नहीं बल्कि अल्लाह ताला को बोलते ए अल्लाह तेरी ये बंदी तुझसे ये मांग रही थी अल्लाह तेरा सुन रही थी अल्लाह गौर से सुन रही थी अल्लाह अमल की नीयत से सुन रही थी अल्लाह खाली कान से सुन के एक दूसरे कान से निकालने के लिए नहीं बैठी थी अल्लाह अपनी जिंदगी में तब्दीली लाने के लिए बैठी थी अल्लाह अल्लाह तला फरिश्तों को गवाह बनाकर कहते हैं याद रखना अल्लाह तला की हर बात सच्ची है अल्लाह सच्चा है अल्लाह हमारा झूठा नहीं है अल्लाह पूरे फरिश्तों को कहता है कि ए फरिश्तों कल खयामत के दिन गवाह रहना हालांकि अल्लाह को गवाही की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी अल्लाह कहते हैं कि फरिश्तों तुम कल खयामत के दिन गवाह रहना वहां पर जितनी बंदियां थी ना मैं उन सबकी माफिरत कर दिया अल्लाह अकबर कितनी प्यारी मंजलिस हैं ये है ना फरिश्ते बोलते अल्लाह अल्लाह

हम अल्लाह व तआला को अगर नहीं पहचाने अल्लाह के दीन को अगर नहीं पहचाने तो फिर ये मजलिस भी हमको कोई फायदा नहीं देगी याद रखना हम यहां पर कुछ सीखेंगे खाली आए बैठे को बोले सुने चल गए नहीं मेरी बहनों अपनी जिंदगी में चेंज लाने के लिए अल्लाह सुबहान तआला की तरफ बढ़ने के लिए अपनी जन्नत को हासिल करने के लिए अपनी जहन्नम से बचने के लिए इनशाला सुबहान तआला से दुआ भी करेंगे और यहां पर उस नीयत से बैठेंगे इंशाला बैठेंगे ना इन तो तैयार है आप सब लोग माशाल्लाह अपनी मफफरत करवाने के लिए तैयार है, है। माशाल्लाह ऐसी आवाज आना चाहिए तो बारह महीनों के नाम क्या थे बारह महीनों के नाम अगर माओ को याद नहीं होगा तो फिर याद रखना तुम्हारी औलादे फिर कैसी होगी इस्लाम को कैसे सीखेगी इस्लामी नाम आज हमको नहीं पता लेकिन इस्लामी नाम के अलावा बिद्दती नाम आज हमको महीनों के जरूर याद होते बारह फात ग्यारहवीं बारहवीं तेरहवीं चौदहवीं पंद्रहवीं सोलहवीं सब याद रहते लेकिन हमको इस्लामी नाम मालूम नहीं रहते आज यहां पर आप इनशाला याद भी करेंगे घर जाकर रिपीट भी करेंगे और अपने बच्चों को भी सुनेंगे अपने शोहरों को भी सुनेंगे अपने बच्चों को सबको सुनेंगे इनशाला सुनेंगे ना इंशाला तो बारह महीनों के नाम क्या क्या है मुहर्रम पढ़िए सब लोग मुहर्रम सफर रबी अव्वल रबी जमादी उला जमादी सानी रजब शाबान रमजान शाह हिजा ये बारह महीनों के नाम हैं, ठीक है ठीके? हाँ मैं और आप अब कौन से महीने में हैं? ये याद रहता जी अब रमजान जो आ रहा ना नहीं अच्छा इस शाबान के बारे में अल्लाह के नबी वसल्लम के दो के दो भी आपके सामने आज रखूंगी। आज उठने से पहले आप करके उठेंगे तरीके पर चलना है या अल्लाह के नबी के तरीके को छोड़कर जहन्नम का रसीद बनना है यहाँ से फैसला करके आज आप उठेंगे इनशाला तो मेरी बहनों शाबान के ताल्लुक से जो हमको अहदीस मिलती है पूरी कुरान में पूरी कुरान में ये बात मेरी याद रखना शाबान के ताल्लुक से एक भी आयत मौजूद नहीं है एक भी आयत शाबान की फजीलत के बारे में मौजूद ये क्लियर कट है याद रखना ये बात है अब अहदीस जो हमको मिलती है उसामा बिन जैद रजी अल्लाह तहु से उसामा बिन जैद रजी अल्लाह तहु कहते हैं ये ये निसाई और अबू दाऊद की हदीस है आज का बयान अच्छे से याद रखें हो सकता है आप

है रेडी या फिर सब रेडी है आ, तो हदीस क्या है आप वो सुनिए उसामा बिन जैद रजी अल्लाह तआला नु कौन है उसामा बिन जैद रजी अल्लाह तआला नु हमारे चाचा हां सुसरे कौन है सहाबी है कौन है सुसरे के नाम याद नहीं रहते चीचा के नाम याद नहीं रहते सहाबी के नाम ये तो याद कर लो कम से कम ठीक है उसामा बिन जैद रजी कौन है अल्लाह के नबी सवाल आपको देखा कि आप रमजान के अलावा सबसे ज्यादा रोजे शाबान के रखते हैं आप ऐसा क्यों करते हैं सवाल कर रहे हैं आप गौर करिए नबी सल कहते हैं ए उसामा बिन जैद लोग नहीं जानते कि इस महीने की फजीलत क्या है इस महीने में हमारे नाम अमाल सुबहान नज़दीक पेश किए जाते हैं और मैं चाहता हूँ कि मेरे नाम आमाल रोजे की हालत में पेश हो यह हदीस को याद रखना आगे मैं समझाऊंगी आप सबको इनशा फिर उम्म सजी तन से हदीस है तिरमीसी की हदीस है उम्र सल्ला रजील्ला कहती है कि अल्लाह के नबी सल वसलम को मैंने दो महीने पै दर पै रोजे रखते हुए देखा सिवाय शाबान और रमजान के यानी शाबान और रमजान में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा महीने रोजा रखा करते थे बात आ गई समझ में हाँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में क्या रखा करते थे रोजे रखा करते थे इस महीने की सबसे बड़ी फजीलत सबसे अहम फजीलत क्या है इस महीने के रोजे है जो मुझको और आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतला दिए अब इस महीने के ताल्लुक से जो मन घड़त अदीस मिलती है जो आज इस दौर में न्यूज़पेपर के जरिए अखबार के जरिए सोशल मीडिया के जरिए इतनी इतनी फैलाई जा रही इतनी फैलाई जा रही जो कि एक कसम एक मन घड़त है खुद साख्ता आदि से जिनका जिनकी कोई सही सनद नहीं है जिनका कोई सही मतन नहीं है जिनका कोई हमको कुरान और हदीस में कोई सबूत नहीं मिलता वो कौन सी आदि से जो बहुत ज़्यादा हमारे पास मशहूर है शाबान के ताल्लुक से

और आज कबीले कल्ब की जितनी बकरियां हैं उनके जितने बाल हैं उससे ज्यादा अल्लाह सुबहान को जानना से आजाद करता है यह हदीस हमको मिलती है मन घड़त है लोगों में जो फैलाई जाती इस हदीस का कोई बेस नहीं है कोई हकीकत नहीं है आज हमने क्या किया मालूम है सुनी सुनाई मुसलमान बन गए आज हम आज हम तहकीक करने वाले

कबीले कल्ब की जो बकरियाँ हैं उन पर जितने बाल हैं उससे ज्यादा लोगों को जहनम से आज़ाद करता है इसी कोई हदीस नहीं एक और हदीस जो लोग मन घड़त है जो लोगों के सामने बयान की जाती है कि इस दिन जो लोग सौ रकत नमाज पढ़ते हैं अल्लाह बंदे की तरह सौ फरिश्तों को भेजता है तीस जन्नत की बशारत देते हैं तीस जहन्नम से बचाते हैं तीस उसको बलाओं से बचाते हैं और दस उसको शैतान से बचाते हैं अल्लाह अकबर सिर्फ सौरकत नमाज पढ़ लेने से जन्नत की बशारत हमारे सहाबा जान दे अपनी अपने घरों को कर दिए अपने बच्चों को कर दिए अपने माल को कर दिए अगर सिर्फ सौरकत नमाज पढ़ लेने से जन्नत की बशारत मिल जाती तो फिर इतने काम करने की जरूरत ही नहीं थी एक और हदीस जो हमको मिलती है मनगड़त मशहूर है ये चीजें जो लोग भी पंद्रहवीं शाबन को बारह रकत नमाज पढ़ लिए और हर रकत में तीस मरतबा अगर खुलू अल्लाह का अगर सुरा पढ़ लिए तो वो नहीं मरेगा इस वक्त तक जब तक वो जन्नत का दीदार ना कर ले ये भी मौजूद है शॉर्टकट तो वही वही चीजें मैं आपको आप, आप सबके सामने रख रही हूँ सही हदीस क्या है जो गलत जो आज मनगणत चीजें आज हमारे दरमियान इतनी फैला दी गई इतनी फैला दी गई कि हमने अपने असल को ही खो दिया

जिनसे अल्लाह राजी हो गया वो अल्लाह से राजी हो गए उन्होंने दुनिया में जन्नत का दीदार नहीं किया तो क्या हम सिर्फ बारह रकत नमाज पढ़ लेने से कर लेंगे शॉर्टकट? अकबर मशहूर है कि पंद्रहवीं शाबान का अगर कोई रोजा रख लिए, तो एक सौ बीस साल के बराबर है उस दिन हमारी मखफरत हो जाती फैसले वाला दिन बोला जाता ना इस रात को इस रात में तकदीरों के फैसले किए जाते बख्शा जाता मखफिरतें की जाती है मेरी अल्लाह की हमको एक हदीस भी नहीं बतलाई एक भी हदीस नहीं बतलाई और जो लोग स्टेजों पर बैठ के लोगों को जो गुमराह करते हैं आप जान दिए वो कौन सी आयत से गुमराह करते हैं शबे बारात मकफिरत का दिन फैसलों वाला दिन तकदीरों को बदलने वाला दिन है ना वो लोग जो दलील देते हैं ना वो दलील कौन सी है सूरह दुखान ये, ये 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 दलील जो मैं दे रही हूँ ना उसको लिख लो याद कर लो ताकि जो लोग भी आपको ये बात बोले आप उनको ये दलील दे सकती है जब तक हमारे पास सबूत ना हो तब तक हमारी बात काबिल काबिलबूल नहीं होगी याद रखना क्योंकि खुद अल्लाह से अच्छा दलील दलील बोलते अरे अरे बस दलीलें हर बार दलील नहीं मांगते बोलते नहीं मेरी बहनों आप जानते सबसे पहले दलील किसने मांगी बताइए मुझे आज सबसे पहले दलील किसने मांगी किसने मांगी बच्चे अल्लाह ने सबसे पहले दलील किसने मांगी जाओ कुरान में बकरा सुर नंबर दो आयत नंबर एक, एक एक याद रख लो आसान है रेफरेंस आपको याद रखने का 111 आयत नंबर 111

बयान के बाद हमारी जिंदगियां बदल जाए हो सकता है इस बयान के बाद हम जहन्नम से निकलकर हमेशा के लिए जन्नती बन जाए इंशाल्लाह तो वो आयत क्या है मालूम इना अजलना फी मुबारका इना कुन्ना मौसिरिन अब ये आयत पे गौर करो अब ये आयत को बेस बनाया जाता है शब ए के लिए है ना इना अजलना फी वो दिन वो मुबारक रात जिसमें ये नाजिल की गई क्या नाजिल की गई उससे पहले की आयत में अल्लाह ताला क्या बोलते हैं कुरान आयत नंबर दो में अल्लाह ताला कुरान का जिक्र करते हैं क्या रा, क्या क्या नाजिल की गई उस रात में तो कुरान पंद्रहवीं शाबान को नाजिल की गई कब लैलतुल कद्र में नाजिल की गई किस दिन किस रात में नाजिल की गई और लैलतुल कद्र कब है अब देखो यहां पर गौर करो कब है रमजान के आखिरी अशरे में से कोई एक रात है बराबर देखो अल्लाह अल्लाह ये लोग कैसा दलील बनाते इन लोगों को हिदायत दे और हम लोगों को भी ऐसे बदआमाल से अल्लाह हमारी हिफाजत करे इतनी मुबारक रात इतनी अजीम रात जिस रात में अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया उस रात के बारे में हम लोगों के ऊपर ये काम लगा दिया कि तुम इस रात को ढूंढो बराबर पांच रातों में से ढूंढना है ना मुझे और आपको लेकिन ये ऐसे कैसे हो सकता है कि एक पंद्रहवीं शाबान की रात बतला दी जाए और वो के, लिए काफी हो। के, के बारे में मुझे और आपको मेहनत करने के लिए बोला गया ढूंढने के लिए बोला गया गौर फिक्र करने के लिए बोला गया तो ये कैसे पॉसिबल है कि मैं मुझे और आपको पंद्रहवीं शाबान के जरिए मेरी और आपकी मफफिरत हो जाए हाँ करो मेरी बहनों ये जो आयत जो दलील दी जाती है ना ये ये दलील ही गलत है ये आयत किसके बारे में बात करती है शबे खद्र के बारे में ले ले के बारे में अच्छा इस आयत पर अगर और गौर करें तो हमें पता चलता है कि ये आयत हिजरत से पहले नाजिल हुई कब नाजिल हुई हिजरत किसको बोलते जरा बोलो अब यहां पर जो हिजरत बोली जा रही ना हिजरत का क्या मतलब है अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के को छोड़कर जब मदीना तशरीफ लेकर गए तो ये जो सफर था ना इसके बाद के जो पूरे दौर आए इसको क्या बोला गया हिजरी बोला गया आज बोलते ना हिजरी 1442 हिजरी में है हम है नहीं है ये तो 4040 में नहीं है ना हिजरी बोला गया ना हिजरत तो ये जो आयत नाजिल हुई सूरह दुखान की ये मक्के में नाजिल हुई हिजरत से पहले अच्छा अब यहां पर एक और गौर करने वाली बात है हम पर रोजे कब फर्ज हुए कौन सी हिजरी में जिन लोगों ने हमारा लास्ट प्रोग्राम अटेंड किया था वो लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते माशा था, दो हिजरी में फर्ज हुए रोजे कब फर्ज हुए ये आयत कब नाजिल हुई हिजरत से पहले मक्के में बराबर हाँ अब मेरी बहनों यहां पर गौर करो इसको लाकर किसके ऊपर लगा दिया जाता है शाबान के ऊपर रमजान कब आया? दो में हम पर रोजे फर्ज हुए शाबान पर करो याद रखना दुनिया के मामला में हम एक टमाटर को भी ऊपर नीचे दस बार देख के लेते ना वैसे दीन के मामला में भी अमल करने से पहले देखना कि वो अल्लाह उसके रसूल का कि उसके ऊपर मोहर है या नहीं है बात आई समझ में? तो हाँ। तो अब ये बात पर क्लियर हो कि ये आयत और अगर ये पूरा बयान होने के बाद भी अगर दिल नहीं बदला हक की तरफ हम नहीं आए तो फिर समझ लेना कि ने दिलों पर लगा दी। ये बात भी क्लियर है याद रख लेना मेरी बहनों अब मुझे एक और बात आप लोगों से पूछनी है कि अल्लाह व तआला ने मुझे और आपको जितने भी अहम दिन हैं उनकी फजीलतें बतलाई बतलाइया ने बतलाई बतलाई, बतलाई? यौमुल जुमा बताया ना अल्लाह ने जुमा की फजीलत बताया नहीं बताया यौम अरफा अरफे के दिन की फजीलत बताया नहीं बताया अया में तशरी अया बीज हर महीने के तेरह चौदह पंद्रह के दिन का तीन जो रोजे रखते हैं उसकी भी फजीलत हमको बतलाई है ना ईद अजह ईद फितर उसके भी बारे में अल्लाह ताला ने बताया मुझे और आपको इस के बारे में भी जो हर जो अहम चीज है ना मेरी बहनों अगर आप पूरे कुरान और हदीस का अगर मुताला करेंगे ना तो आपको कहीं पर भी कहीं पर भी शब बारात का लफ्ज नहीं मिलेगा मिलेगा भी कैसे मेरी बहनों शब कौन सा लफ्ज है अरबी का लफ्ज है योम जुमहार योम अरफा योमज अय्याज अया में तशरी यो नहर ये पूरे अरबी के अल्फाज हैं है नहीं है शब कौन सा लफ्ज है फारसी का लफ्ज है शब रात शब रात रात भी कौन सा लफ्ज है फारसी का लफ्ज है और अगर बरात अगर बोलते तो बरात सुरे नूर की आयतों में एक आयत है बरात के माने क्या है बेजारगी वाले तो बेजारगी वाली रात

अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा रजील्लाहु तआला के घर पर अल्लाह के नबी की बारी थी अल्लाह के नबी आयशा रजना के घर पर आए फिर हल्ले से चुपके से निकले बखी खबरस्तान की तरफ गए और जब आयशा रजील्लाहु तआला उनके पीछे 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 दौड़ती हुई गई जब देखा तो अल्लाह सल के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुर्दों के लिए दुआएं कर रहे थे यह यह हदीस सही है लेकिन 15 शाबान को हुई यह बात गलत है बेशर कभी खबरस्तान को जाया करते थे उनकी मफफरत की मुर्दों की मकफरत की दुआएं क्या करते थे लेकिन पास क्या ट्रेन बन गया, क्या कल्चर आज हम बनाते चले जा रहे मुर्दों को भूल जाओ हमारे जितने मरहूमिन भूल जाओ पंद्रहवीं शाबान आ रही ना हाँ बस एक फूलो फूलों का पूरा ठेला लगे हुआ रहता खबर के बाजू अच्छा एक दो किलो फूल लेके जाओ और खबरों पर फेंक दो खत्म बात यह मोहब्बत है क्या फूल डालने से हमारे मरहुमिन की मफरत हो जाएगी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलान को पहले तो जाने से मना किया था लेकिन बाद में जब अल्लाह के नबी इजाजत दी तो उसकी वजह क्या थी लोग इबरत हासिल करे देखे समझे कि ये दुनिया मेरी जिंदगी नहीं है मुझे इस खबर में जाना है इस मिट्टी में मुझे दफन किया जाएगा ये कीड़ों का घर ये खबर ये मेरा घर है लेकिन हुआ क्या उस पंद्रहवीं शाबान को मुर्दों की ईद बना दी गई है ना अल्लाह रहम करे शाबान को फुल रहती और उसमें अक्सर हमारे नौजवान रहते नौजवान एक नौजवान बच्चा जो पांच टाइम की नमाज नहीं पढ़ता कभी कुरान खोल के नहीं पढ़ता उस दिन बड़ा साफ और शुफाफ हालत में पूरे जबरदस्त ड्रेसिंग करके एक अच्छा पटका बांध के मस्जिद को जाता है गोया ऐसा लगता है जैसा कोई नया नया दुल्हा एक नया नया मेहमान मस्जिद में जब बस दाखिल हो रहा है जोश के साथ हम वो अमल करते जबकि वो अमल हमारे साहबा से साबित ही नहीं है रमजान के रोजों का हाल क्या रहता शाबान के रोजे का बड़ा अपने घर में एहतमाम होता लेकिन शाबान हमारे रमजान के एक से पांच तक रोजे रहते तो रहते अब उसके बाद बेजार की शुरू हो जाती छोटे रोजे रख लेते एक से पांच तक फिर बड़े रोजे रखेंगे बोलते नहीं आखिरी के है ना जी बड़े रोजे कौन मनाए अम्मा ये बड़े और छोटे रोजे रमजान का पूरा रोजा अल्लाह बार, बार कहता है अगर तुम्हारे पास तो तुम रोजा रखो मुसाफिर जरूर, जरूर रख लो तो बेहतर इतना अफजल रोजे है यह रोजे छोड़ देते हैं और एक रोजे को पकड़ कर कहते हैं कि हमारी तो मकफिरत हो गई ना बस गारंटी है इस बात की कि हमारी मफफिरत हो गई क्या मनाया जाता है मुर्दों की ईद क्या आखीदा है हमारा कि पंद्रहवीं शाबान को रूहें वापस आती है लिहाजा घरों को साफ किया जाता है पकाया जाता है हमारे जो मरहूमिन ने उनकी जो फेवरेट डिशेस थी वो बनाई जाती है एक मखसूस जगह पर रखा जाता है और फाते दी जाती है और चराग जलाई जाती है आज हो रहा है हमारे माहौल और माशरे में मेरी बहनों अपने दिलों पर हाथ रख के बताओ कि अल्लाह के नबी सली वसलम की जिंदगी अम्मा जिंदगी में अम्मा खदीजा रजिए इंतकाल नहीं हुआ अबू तालिब का इंतकाल नहीं हुआ हमजा रजील का इंतकाल नहीं हुआ कितने सहाबा शहीद हो गए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु की जिंदगी में तो क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी पंद्रहवीं शाबान को ये ईद मनाई मेरी बहनों गौर करो मखसूस तौर पर किया जाता है अक्सर अक्सर लोग आज कर रहे हैं अल्लाह रहम करे और अल्लाह हम सबको समझने की तोफ़ी खतः करे अल्लाह तला और ऐसी चीज़ों से अल्लाह बिदात से हमारी हिफाजत करे मेरी बहनों में आप तमाम लोगों के में डालती चलूँ ये जो मुर्दों की जो ईद मनाई जाती है ना ये ईद का इस्लाम में तो कोई ताल्लुक नहीं है इस्लाम में इसकी कोई बुनियाद ही नहीं है हाँ हमको हिंदुज़म में ये ईद जरूर मिलती है हिंदू हम अपने आप को हिंदू बोले तो गुस्सा आता नहीं लाल पीले हो जाते वो अमल करते हुए लाल पीले नहीं होते फिर हम हिंदुज़म में हिंदुओं में ये एक रिवाज है अच्छे से सुनो अब यहाँ पर हिंदुओं में यह एक रिवाज है उनका अकीदा है कि वो हर साल में एक दिन पूरिया बनाते खीर बनाते और फिर वो कव्वों को खिलाते इस नीयत से कि उनकी रूहें जो है ना वो खुश होती है वो गमगीन नहीं होती लिहाजा उन, उनकी रूहों को गम से बचाने के लिए वो साल में एक दिन खीर और पूरिया बना के कव् को खिलाते और अगर उनके घर में किसी का इंतकाल हो गया तो तब तक उनके घर में कोई फंक्शन नहीं करते जब तक उन्होंने ये ईद ना कर लें। आज हमारे माहौल और में भी यही होता। रमजान से पहले अगर किसी घर के बड़े का तरीका दिन है अगर शोहर का इंतकाल हो गया तो बीवी के लिए कितने दिन है चार महीने और दस दिन उसके अलावा के मुताबिक याद रखना तीन दिन हमको मनाना है और इसके अलावा अगर बीवी है तो उसको चार महीने तो ये हिंदुओं का तरीका है कि वो क्या करते हैं खीर और मुर्दों की को क्या बनाते हैं खीर और शना। और हलवा भी बनाते हैं साथ में और क्या बोलते हैं नहीं नहीं हम हलवा इसीलिए बना रहे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत शहीद हो गया था उनको खाने नहीं आता था ना खाना इसीलिए हम हलवा बनाते अच्छा गौर करो

जंगे अहद कब हुई थी अम्मा क्या ऐसे ऐसे सवाल करते हम कब हुई थी जंगे शवाल में हुई थी जंग कब हुई थी शवाल के महीने में हुई थी ये ईद कब मनाई जा रही शाबान में और अल्लाह के दंधा ने मुबारक कब शहीद हुए थे शवाल में अच्छा अल्लाह नबीम के दाद अगर शहीद हो गए बल्कि हम अगर मना रहे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दांत अपने दीन की कुर्बानी के लिए दीन के लिए मेहनत करने के लिए कुर्बान किए थे ना हम कितने दांत तोड़ा के आए दीन के लिए हम कितने दांतों को कुर्बान करें दीन के लिए अल्लाह अकबर अगर ये दलील जीत दी जाती तो ये दलील भी गलत है मेरी बहन इस तरीक़े से इस ये अखीदा रखना कि पंद्रहवीं शाबान को रूहें वापस आती है उनके लिए खाने का इंतज़ाम करना मखसूस कस्म के खाने बनाना फिर एक जगह पर रखना फ़ातहा देना इस इसका इस्लामी शरीय से कोई ताल्लुक नहीं है कोई ताल्लुक़ नहीं है याद रखना मेरी बहनों और फातहा भी कैसे दी जाती है अल्लाह अखबर बच्चे आदमियाँ देना बोलते ना फरत नहीं देना आदमियाँ देना

के फाते देने वाला कोई तो भी एक बच्चा बोल के इधर उधर देखे एक बच्चा दिखा उसको लेके आए अरे बाबा चले यहाँ पर फातिहा दे बच्चा जब गया देखा कि खाने पीने की चीजा है ठीक है उसको समझ में आया कि चलो खाने पीने की चीजा है ये नाना को पसंद थे वो बच्चा जब ये देखा कि वहाँ पर एक बीड़ी का कट्टा है तो उसने पूछा नानी ये बात तो समझ में आ गई कि खाना पीना है लेकिन ये बीड़ी का कट्टा कई को है तो नानी वहाँ पर ये जवाब देती है मशहूर हुआ इसीलिए मैं आपके दरमियान बोल रही ताकि हम समझें खाली हंसी के लिए बोलना हमारा मकसद नहीं है नानी बोले कि अरे बेटा नाना को ना बीड़ी का कर, बीड़ी बहुत पसंद थी बहुत ज्यादा पसंद थी इसीलिए मैं यहाँ पर रखी वो बच्चा पलटा के जवाब देता है कि नानी नाना को आप भी बहुत पसंद थे होंगे ना आप भी सो जाओ आपको भी मैं फातिहा पढ़ देती हूँ देखो ये ये बात दिमाग में बैठ रही है आपके दिमाग से फैसला करो जब आपके सामने सही और गलत अगर कोई चीज आ गई ना तो अल्लाह तला ने हमको अखले सलीम दी है ने अखल दी है कि हम इस बात का फैसला कर सकते हैं कि क्या सही और क्या गलत बात आई समझ में आप सबको तो लिहाजा इस तरीके से फातिहा देना इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, नहीं है और अगर हम अमल ये करती भी है तो फिर ये अमल अल्लाह के नजीक कबूल नहीं होगा और ना ही कोई रूहे उस दुनिया से इस दुनिया में वापस आ सकती है क्या वो रूहों को खाने की जरूरत है हाँ कपड़ों की जरूरत है मर गए तो कपड़े पहन के गए उनका जो फेवरेट ड्रेस था वो पहन के गए नहीं सबकी तरह तीन कपड़े नहीं तो पांच कपड़ों में दफन दफना दे के आ गए उत्तैच उनको वहां पर खाने की जरूरत नहीं होती हमारी दुआओं की जरूरत होती हमारे ने आमाल की जरूरत होती जहां हमारे ने आमाल की जरूरत होती हम वो आमाल नहीं करते लेकिन ऐसे काम करते जिससे उनको कोई फायदा ही नहीं होता खर करो मेरी बहनों अल्लाह के लिए अल्लाह के लिए अपने अक्ल का इस्तेमाल करो दीन के लिए दीन के लिए जब भी कोई अमल करे देखना परखना कि क्या ये अमल अल्लाह और उसके रसूल के तरीके के मुताबिक है या नहीं है ये बहुत अहम है बहुत अहम चीज है अब हो सकता है किसी के दिमाग में ये सवाल आए कि पंद्रहवीं शाबान को रोजा रख लिए तो क्या बुरा है नमाज पढ़ लिए तो क्या बुरा है सदखा कर लिए तो क्या बुरा है नेकी कच काम कर रहे ना बराबर है ना नमाज पढ़ना बुरी बात है गुना का काम है नेकी का काम है नेकी कर लिए तो क्या हो रहा अच्छा ठीक है नेकी कर लिए ठीक है ये नेकी है, अब अब गौर से सुनो अब यहाँ पर नमाज पढ़ना क्या है है है? है नेकी है? गुना है नेकी है? फजर में कितने फर्ज है कितने फर्ज है दो फर्ज की जगह अगर तीन फर्ज पढ़ लिए तो भी नकी छे ना वो हो? कबूल होती फर्ज कबूल होता कई नहीं होता नेकी से ना जी वो क्यों नहीं होता क्योंकि तरीका किसने बताया हमको दो रकत का तीन रकत का नहीं बताया नबी वसल्लम ने अच्छा एक और चीज हर रकत में कितने सजदे रहते हर नमाज की हर रकत में कितने रहते दो सजदे नहीं ने, नेकी कच काम है ना जी हम तीन सजदे कर लेते होती हमारी नमाज कबूल Allah, Allah, नहीं। एक करने से कबूल नहीं होती तो मेरी बहनों ऐसे अब यहां पर एक सवाल ये आएगा नबी वसल्लम पर जाएगा और वो सीधा मुझे बताओ हर नेकी और खैर का काम अल्लाह के नबी ने हमको बताया नहीं बताया बताया ना हर नेकी का काम अल्लाह के नबी ने हमको बतला दिया हर नेकी का काम यहां तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतला दिया हमको कि अगर तुम एक रास्ते से गुजर रहे हो और वहां पर अगर कोई नुकसानदार चीज है तो उसको उठाओ और साइड में फेंको सबसे छोटी नेकी सबसे छोटी नेकी भी अल्लाह के नबी ने हमको बतला दी तो क्या अल्लाह के नबी वसल्लम ने इतनी बड़ी नेकी पंद्रहवीं शाबान की हमको नहीं बतलाई हम झूठ बांध रहे हैं फिर अल्लाह के नबी वसल्लम को बोल रहे बताया ऐसा हो सकता है नहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको हर नेकी का हर खैर का काम बतला दिया मेरी बहनों कोई ऐसा नेकी का ऐसा खैर का काम नहीं है जो अल्लाह के नबी ने हमको नहीं बतलाया हो नहीं बतलाया हो हर काम बतला दिया तो मेरी बहनों एक हदीस भी जब हमको नहीं मिलती शब बारात के ताल्लुक़ से कि ये मकफिरत की रात है ये बख्शिश की रात है ये फैसलों वाली रात है तो फिर मैं और आप इस बात पर कैसे अमल कर सकते हैं कि जिस अमल पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहर ना हो और करो शबे बारात घरों को धोया जाता जबरदस्त पकवान किए जाते पूरी रात जागा जाता मेरी बहनों क्या मेरे और आपके सहाबा किसी खैर के और नेकी के काम को छोड़ते थे छोड़ते थे एक भी मैं और आप तो आज छोड़ देते हैं लेकिन हमारे साहबा वो थे जो एक नेकी करने के लिए भी भागते और दौड़ते थे एक नेकी के लिए भी वो मशहूर वाकई आपको मालूम होगा ना अबू बकर सिद्दीक रजील उमर रजी तन एक बुढ़िया के घर में जाकर उसकी खिदमत करना चाहते हैं लेकिन जब जैसे ही जाते हैं तो देखते हैं कि कोई एक आदमी पहले से आया और पूरी खिदमत करके चला गया फिर दूसरे दिन आके देखते हैं तो फिर वो आता है अलग उमर रजीरा तरफ जल्दी आते हैं फिर देखते हैं कि कोई आदमी फिर का एक काम करके चला गया फिर तीसरे दिन और इतना जल्दी आते हैं ताकि देखे कि वो कौन शख्स है जो उस बुढ़िया के घर का काम कर रहा और उस बुढ़िया की खिदमत कर रहा कोई नहीं देख रहे अल्लाह अकबर सिर्फ अल्लाह देख रहा है उस घर की बुढ़िया जानती है उस घर की वो बुजुर्ग और वो औरत जानती है उमर रजील तो देखते हैं कि ये कौन है जो आता है और पूरे नेकी के काम करके चले जाता है तो देखते हैं कि वो अबू वबूबी खजी अल्लाह तुम अल्लाह अकबर मेरे और आपके सहाबा तो नेकी का एक काम भी नहीं छोड़ते थे एक काम पूरे कामों को संभाल रहे नबुअत के काम में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दे रहे जंगों में साथ जा रहे तमाम के तमाम काम कर रहे और ये एक ऐसा नेकी का एक ऐसा पोर्शन बना रहे जो सिवाय अल्लाह के और किसी को नहीं मालूम ऐसे नेकियां करते थे तो क्या इतनी बड़ी नेकी मुझसे और आपसे छुपाई जा सकती मेरी बहनों याद रखना अगर हम अमल करें लेकिन उस अमल पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर ना हो मैं बार बार बोल रही हूँ वो अमल अल्लाह के नज़दीक कबूल नहीं होगा चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो इसीलिए अल्लाह ने कुरान में बार 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 अमल सलह की बात की खाली अमल की बात नहीं की नेक और अच्छे अमल की बात की अच्छे अमल वो अमल जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए वो अमल नहीं जो हमको समझ में आए इसके ताल्लुक से एक और रिवायत जो मशहूर है कि रमज़ान अल्लाह का महीना है और शाबान आखा का महीना है सुने नहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना बोलते ना इसको और क्या और क्या बात डाली जाती कि इस दिन इस महीने में जो भी तीन रोजे रखते हैं अल्लाह ताला पहले आसमानी दुनिया पर आता है और आकर कहता है कि मांगो मुझसे मांगने वाले बंदो पुकारो मेरे बंदे मुझे पुकारने वालों सवाल करने वाले करो मुझसे सवाल मैं तुमको दूंगा ये हदीस हमको मिलती है मन घड़त ये हदीस जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही क्या मिलती है? अल्लाह ताला सिर्फ पंद्रहवीं शाबार को पहले आसमान पे नहीं आते हर रोज अल्लाह ताला तहज्जुद के वक्त पहले आसमान पर आते हैं अल्लाह की रहमत को इतना सुकड़ क्यों रहे हो इतना खरीब इतनी कम क्यों कर दे रहे कि सिर्फ पंद्रहवीं शाबान को अल्लाह ताला ताला पहले आसमान पर आता हर रोज आते हैं अल्लाह तला हर रोज तहजुद के वक्त आते हैं अपने बंदों को आवाज लगा दे निदा लगा दे कि है कोई मेरी बंदा कोई बंदा कोई बंदी मुझे पुकारने वाला मुझे सवाल करने वाला मेरे हाज, अपनी हाजतों को पूरा करवाने वाला कोई है मेरा बंदा अल्लाह तला बार बार आवाज़ लगाता है अल्लाह अकबर रमज़ान अल्लाह का महीना नहीं है पहली चीज़ ये बात याद रखें कहीं पर भी अल्लाह ने यह नहीं कहा कि रमजान मेरा महीना है अलबत्त मुहर्रम को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ये अल्लाह का महीना है बान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना नहीं होता बल्कि शाबान के ताल्लुक से जो हमको फजीलत जो मिलती है वो सिर्फ यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में रोजा रखा करते थे कसरत से रोजा रखा करते थे इस महीने में मुझक और आपको फिर करना क्या है करना क्या है रोजे रखना है और मुझे और आपको इस शाबान के ताल्लुक से और क्या बात मिलती है कि मेरे नाम अमाल इस महीने में अल्लाह के सामने पेश किए जाते हैं जैसा हर रोज फजर और असर के वक्त मेरे हम सब के नाम अमाल अल्लाह के सामने पेश किए जाते हैं जुमेरात और पीर के दिन हमारे नाम अमाल पेश किए जाते हैं हफ्ते में उसी तरीके से साल में शाबान के महीने में हमारे नाम अमाल पेश किए जाते हैं पूरे साल के तो यही फजीलत इसके अलावा और कोई फजीलत नहीं है मेरी बहनों कोई फजीलत नहीं है तो एक बात याद रख लें कल पंद्रहवीं शाबान है आज चौदह शाबान है अपने घर को बचा लेना इस इसबिदात से अपने बच्चों को बचा लेना इस इसबिदात से अपने शोहर को बचा लेना इस बिद्दत से अपने खानदान को बचा लेना इस बिद्दत से वरना कल क्या के दिन वो लोग जिम्मेदार होंगे जिन लोगों को इस बात का इल्म था और उन्होंने उन लोगों को नहीं बतलाया जो लोग इस बात का इल्म नहीं रखते थे मेरी बहनों मुझे और आपको इस्लाम में खुल्लम खुल्ला बता दिया गया क्या करना है क्या नहीं करना है कौन सी चीज हलाल है कौन सी चीज हराम है किस दिन कौन सा अमल कितना करना है ये भी मुझे और आपको बतला दिया गया तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक नेकी का खैर का काम हो और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ना बतलाया हो ऐसा हो ही नहीं सकता अगर हम कहते हो सकता है तो फिर हम ईमान वाले हो ही नहीं सकते यह बात याद रखना मेरा यहाँ पर आज ये पूरा दर्ज देने का मकसद किसी को जलील करना किसी को तकलीफ देना किसी को गुमराह करना नहीं था बल्कि कुरान और हदीस का सही इल्म आपके दरमियान रख देना था क्योंकि मेरी बहनों कुरान की आयत है सुर गाशिया की आयत है इस आयत को याद रख लेना वल्ला जब भी कोई अमल करेंगे इस आयत को याद रख लेना वो अमल आपके दिल को आवाज़ देगा कि ये मेरा अमल कबूल होगा या नहीं होगा क्योंकि अल्लाह सरे गाशिया की आयत में क्या कहता है सिबा तस्ला नाराण हामिया कल मत का दिन होगा लोग अमल करके थके हुए होंगे इतने नेकी के काम उनके पास होंगे इतने नेकी के काम ताला हुकुम देगा। तस्ला नारन हामिया। उठाओ इसको उठा के घसीटते हुए जहनम में डाल दो या पर उन आमाल की बात की जा रही है वो आमाल आमाल तो बहुत होंगे लेकिन सोलह नहीं होंगे खूब नमाजें पढ़ी होगी खूब जक़ात दिया होगा खूब सदका किया होगा खूब रातों में जाग जाग के शब बरात को खड़े कर अल्लाह के सामने इबादत की होगी लेकिन अल्लाह ताला उस इबादत को फिर कबूल नहीं करेंगे अल्लाह कुरान की आयत है मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रही रहा आमिलतनासिबा नारन हामिया जाके घर में इस आयत की तफसीर पढ़ो अल्लाह ताला उन तमाल को कबूल नहीं करेगा जो अमाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है तो अब शाबान के ताल्लुक से जो बातें बताई जाती है ना सिर्फ दो चीज़ें हमको कुरान और हदीस में मिलती है पहली बात तो कोई आयत हमको कुरान से नहीं मिलती दूसरी चीज़ जो हदीस से मिलती है अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला की सही बुखारी की भी एक हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में कसरत से रोज़ा रखा करते थे लिहाजा मैं भी रोज़ा रखा करती थी ताकि मेरे जो पिछले रमज़ान में छूटे हुए रोज़े की गिनती है वो मैं पूरी कर लूँ तो अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला ना अपने छूटे हुए हैज़ के जो छोटे हुए जो रोज़े होते थे उनको शाबान के महीने में पूरा कर लिया करती थी रोज़े के अलावा और फिर हमारे नाम अमाल अल्लाह के सामने पेश किए जाते इसके अलावा शाबान के तलुक़ से हमको कोई भी चीज़ें नहीं मिलती कुरान और हदीस में अल्लाह रहम करे अल्लाह रहम करे आज सोशल मीडिया पर लोगों ने इतने वजीफे बतलाना शुरू कर दिए कि दो शाबान का ये वजीफा दो शाबान से पहले ये वजीफा पढ़ लो करोड़पति हो जाओगे पंद्रह शाबान से पहले ये पढ़ लो बच्चों की शादियाँ हो जाते ये पंद्रह शाबान के दिन ये इतने बार पढ़ो ये इतने बार पढ़ो वो पढ़ो वो पढ़ो तुम्हारी दूर हो जातीफे जाती, हमने झूठी बातों को फैलाते हैं अपने मुंह खोलने से पहले याद रखें कि अगर आपके बोलने की वजह से कोई गलत चीज को दीन समझ बैठे और उस पर अमल करना शुरू कर दे तो फिर उस गुनाह का जो तमाम का तमाम बखेड़ा है वो किसको को जाएगा उस बोलने वाले को जाएगा अपनी जुबान से कोई गलत काम मत निकालना मत बोलना कि ये ये शाबान के महीने में ये काम कर लियो तो ये हो जाता जो हाजतें करे वो पूरी हाजतें हो जाती पहले दलील उसके बाद बात, अल्लाह रहम करे इतने सारे वजीफे इतने सारे वजीफे डाले जा रहे और आप जानते हैं उनको देखने वाले कितने मिलियंस व्यूवर्स है अल्लाह अकबर तो मेरी और आपकी जिम्मेदारी है मेरी बहनों के लिए जन्नत में ले जाने वाले हो वो अमल ना हो जो दुनिया में इस बात के धोखे में हो कि हम तो अमल कर रहे हैं लेकिन कल खयामत के दिन मालूम हो कि ना तो तू ईमान वाली है ना तो तेरे कोई अमल कबूल है क्या हम चाहते हैं कि दुनिया में तो हम इस बात की खुशी में रहे कि हमारे पास बहुत अमाल है लेकिन कल ख़यामत के दिन मालूम है कि हमारे पास कोई हमारा जो अमल है वो कबूल ही नहीं हो रहा कितनी परेशानी की बात होगी मेरी बहनों फिर कल फिर कल क्या खयामत के दिन मेरे मेरे और आपके पास चांस होगा इस दुनिया में आकर नेकी के और खैर के काम करने का नहीं होगा मेरी बहनों उस दिन एक एक नीकी के लिए तरसेंगे हम नबी सल्लाम की हदीस है सही से कि बाप जाएगा रिश्तेदार तो तो देख के भाग जाएंगे सिर्फ इस नीयत से मेरी एक नेकी अगर चली गई तो मैं जानना में चली जाऊंगी लिहाजा मुझे अपनी एक नेकी कम करना नहीं है बल्कि मुझे और नकियों की जरूरत है मैं और नीकी मुझे और नकियों की जरूरत है मैं और नकियां लेना चाहती हूँ

कि मेरा और आपका नाम है आमाल कपल सिर्फ एक नेकी की वजह से भारी होने वाला हो और एक नेकी हमारे पास ना हो तो फिर हमारा क्या मामला होगा अल्लाह हो अकबर हम एक झूठ बोल देते हैं ना एक गीबत कर लेते हैं ना वो एक गीबत का गुना अगर बढ़ गया और एक नेकी मेरे पास कम हो गई तो फिर हमारा क्या मामला होगा कौन बचा पाएगा फिर हमको जहन्नम की आग से अल्लाह ने मुझे और आपको जिंदगी दी है अल्लाह सुरे मुल्क में अल्लाह कहता है कि मैंने तुमको ये दुनिया ये जिंदगी और ये मौत तुम्हारे इम्तिहान के लिए दिए ताकि तुम नेक अमल करो अमला ये इम्तिहान की जगह है मेरी बहनों यहाँ पर रिजल्ट नहीं बताए जाते मुझे बताओ क्या एग्जाम हॉल में हमारे रिजल्ट दे दिए जाते पेपर लिखना होता है हमको आंसर देने होते हैं हमको क्वेश्चंस पढ़ते हैं हम ये भी दुनिया मेरे और आपके इम्तिहान की जगह है मुझे और आपको यहाँ पर इम्तिहान लिखना है और इसका रिजल्ट मुझे और आपको जन्नत और जहन्नम की शक्ल में दिया जाएगा लिहाजा मेरी बहनों अल्लाह का वास्ता अल्लाह का वास्ता आप सबको अल्लाह का वास्ता जो भी अमल करते हैं उस अमल को करने से पहले चेक कर लेना कि वो अमल मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक है या नहीं है वो अमल मेरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसके ऊपर मोहर है या नहीं है हर काम करने से पहले ये बात सोच लेना लिहाजा ये शाबान की कुछ चीजें थी जो मैं आपके दरमियान रख रही थी मैंने आपको बेसिक तीन रूल बताए हैं मेरी बहनों कि मैं और आपने कलीमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह का तो मेरी और आपकी जिंदगी भी पूरी ला इलाहा इल्लल्लाह के मुताबिक होगी अगर मेरी पूरी जिंदगी ला इलाहा इल्लल्लाह के मुताबिक नहीं होगी तो फिर वो जन्नत की कुंजी सीधी नहीं होगी फिर मैं और आप जन्नत का ताला नहीं खोल सकते फिर मैं और आप जन्नत में नहीं जा सकते ला इला है ला ला क्या है जन्नत की कुंजियों में से कुंजी है ना वो कुंजी के दंडा नहीं हमारी जिंदगी में सही नहीं रहेंगे तो फिर क्या हम जन्नत का ताला खोल पाएंगे मेरी जिंदगी का उसूल अल्लाह उसके रसूल की जिंदगी जैसी बतलाइए अल्लाह उसके रसूल की जिंदगी हमको गुजारना किस तरीके से अल्लाह के और उसके रसूल ने बताया बस वैसे ही गुजारना है ना मुझे आगे बढ़ना है ना मुझे पीछे हटना है बिल्कुल मुझे उसी मैदान में फिक्स होना है जो मैदान अल्लाह के नबी और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताया बात आई समझ में बेसिक रूल मैं आज आपको यहाँ पर दे रही हूँ सिर्फ शब बारात के ताल्लुक से नहीं शब मज भी आया लोगों ने जागा मस्जिदें फुल थी मस्जिदों के मेम्बरों से बयान किया गया लेकिन हमको यह बात नहीं पता कि ना शब को अल्लाह के नबी ने जागा ना साहबा ने जागा ना हमारे ताबाइन ने जागा ना तब ताबाइन ने जागा जागना है हमको कब ललित के लिए अपनी उस रात को ढूंढने के लिए जिस रात में यकीनन हमारे फैसले किए जाते हैं यकीनन जिस रात में हमारी तकदीरें लिखी जाती है यकीन जो रात बख्शिशों वाली है यकीन वो रात मखफरतों वाली है हमने क्या बना लिया ललित्र को क्या बना लिया सत्ताविस की रात पूरे मस्जिद को सर्टिफिकेट लेके आए अल्लाह के पास से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस बात की गवाही नहीं दी कि सत्ताविस को शब खद्र है तो फिर हम कैसे मना सकते हैं मुझे और आपको शब खद्र ढूंढना है आखिर के अशरे में आखिर की पांच रातों में जागना है जागो पूरी पूरी रात जागो अल्लाह से दुआएं करो ये इन पांच रातों में से ही कोई एक रात है ऐसा नहीं है कि इन पांच रातों के अलावा कोई और रात अल्लाह के नबी ने जब कह दिया तो यकीनन यकीन बात सच्ची है कि इन पांच रातों में से ही कोई एक रात शब है तो मेरी बहनों क्या हम नहीं चाहते कि हमको शब ख मिल जाए क्या हम नहीं चाहते क्या हम नहीं चाहते कि अल्लाह हमारी मख्त करें क्या हम नहीं चाहते कि हमारे गुनाहों को माफ करें क्या हम नहीं चाहते कि अल्लाह तला तोबा को कबूल करें हमको नेक और साले अल्लाह का पसंदीदा बंदा बना ले तो फिर तैयार हो जाओ रमजान के लिए तैयार हो जाओ अपने आप को तैयार कर लो नेक अमाल के लिए उन अमाल के जो के लिए जो अल्लाह उसके रसूल से साबित है तो तैयार है आप सब लोग अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह उसके रसूल के मुताबिक गुजारने के लिए तो अब शबे बारात करना है नहीं है नहीं है नहीं है, है, है? पूरा की तरफ से आना मुझे जवाब है नहीं है, है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मकसद था आप तमाम लोगों को सही इल्म बतलाना याद रखना मेरी बहनों हो सकता है मेरे आज के इस बयान से बहुत सारे लोग इस बयान को सुने क्योंकि ये यूट्यूब पर भी अपलोड किया जाएगा इन जो लोग सही इल्म नहीं रखते ये जहालत की जिंदगी में गुजारते हैं वो लोग तो यही कहेंगे कि ये बरसों से चले हुए आ रहा अब आके एक बोल रहे अब आके इसीलिए बोल रहे ताकि हम गफलत से उठ जाए हम जहन्नम से बच जाए क्योंकि अल्लाह कुरान में क्या कहता है इमरान की आयतों में अल्लाह तला आखिरी आयतों में क्या कहता है अखलमंद लोग वो है जाहिल की बात नहीं अल्लाह लोग वो है जो अल्लाह तला की निशानियों पर गौर करते हैं अभी तक तक गौर नहीं करे अब तक दीन क्या समझ लिए नानी बताए सो दादी बताए सो दादा बताए सो सुसरे बताए सो है ना खानदान से चलते हुआ दिन अब हम समझ लिए अब जिसका कलीमा हम पढ़े ना वो दिन के ऊपर चलेंगे क्योंकि बाप दादा का कलीमा पढ़े तो जन्नत में नहीं जाते ना जाते नहीं जाते ना मेरी बहनों ना हमारा ससुर हम बचाता ना हमारा बाबा हमको बचाता ना हमारे शोहर हमको बचाते जन्नत में जाते वक्त उन्होंने जन्नत में चले जाते क्योंकि हर एक को अपनी फिक्र होगी ना इंसान तो इंसान अम्बिया को अपनी फिक्र होगी बुखारी की तिरमिजी की से हर नबी अम्बिया क्या मुकाम है उनका मासूम आल उनके पूरे गुनाह माफ़ कर दिए गए उनको जन्नत में जाना ही है फिर भी वो कलखयाम क्या बोलेंगे मालूम है इसीलिए फातिमा को भी कहा के, ए फातिमा तू मेरी बेटी है इस बात पर तुझे जन्नत में नहीं डाला जाएगा बल्कि तेरे अमाल की बुनियाद पर तुझे जन्नत में डाला जाएगा हम प्राइम मिनिस्टर की बेटी है कलेक्टर की बेटी है किसकी भी बेटी है अल्लाह के नजदीक हमारा कोई जो मुकाम है ना वो मुकाम नहीं देखा जाता अल्लाह के नज़दीक हमारे नेक नेकमाल देखे जाते हमारी नीयतें देखी जाती याद रखना मेरी बहनों वहां पर एक काले हबशी देखो आप कौन है बिला रजील तुन क्या मुकाम है उनका कोई खानदान नहीं मालूम है ना कोई स्टेटस नहीं है कोई दौलतमंद नहीं है कोई अमीर नहीं है लेकिन अल्लाह के नजदीक इतना बुलंद मकाम है इतना बुलंद मकाम है अल्लाह अकबर कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कदमों से पहले बिला रजी कदमों की आवाज़ सुनी जन्नत में मेराज के दिन मेराज की रात है ना अल्लाह के नजदीक काला गोरा है ना अमीर गरीब इसकी कोई अहमियत नहीं है अल्लाह ताला को वो बंदा पसंद है इन्ना इंदल्लाही अतकाकुम अल्लाह के नजदीक तखवे वाला बंदा सबसे है मैं और यही तखवे का दर्ज देने के लिए यही तखवे के लिए मुझे और आपको तैयार करने के लिए आ रहा है रमजान मेरी और आपकी जिंदगी में तैयार तो हो जाइए मेरी बहनों रमजान में अपने तखबे को बढ़ाने के लिए रमजान आया तो घर के अचारों को बढ़ाना नहीं है कबाबा डालना नहीं है ये तैयारी नहीं होती है ना घर धो साफ करो ये करो वो करो सब करना है लेकिन अपने जो तखबा है ना जो मकसद है ना उस मकसद को नहीं भूलना है याद रखो अल्लाह तला हमको अचारा कबाबा चटनिया ये खाने से मना नहीं करता अल्लाह तला हमको महराम नहीं है ये लेकिन मुझे और आपको जिस मकसद के लिए तैयार किया गया तैयार किया जा रहा है अगर उस मकसद को भूल जाए तो फिर ये अचार भी बेकार ये कबाबा भी बेकार ये पूरे के पूरे खाने की सब चीज़ें बेकार बात आई समझ में तो रमजान आ रहा है इन अल्लाह से हम सबसे पहले दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को जन्नत में हम तमाम लोगों को रमजान में सलामती के साथ दाखिल कर दे कितनी हल्लू से आवाज आई जी आमीन क्योंकि फरिश्ते हमारे पास मौजूद है फरिश्ते भी आमीन कह दे तो फिर क्या बात माशा अल्लाह से इस बात की दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को रमज़ान ख़त्म होने से पहले उन बंदों में शामिल कर ले जिन लोगों के मफफ़रत कर दी जिन लोगों को अल्लाह ने पसंद कर लिया जिन लोगों ने अल्लाह को राज़ी कर लिया अमीन तो ये चीज़ें थी मेरी बहनों जो मैं आपके दरमियान रख रही थी हमारा मकसद हमारा मकसद सही दिन को लोगों के दरमियान रखना है किसी को जलील करना किसी को की बेजती करना किसी को डिग्रेड करना नहीं है ये बार बार मैं बता रही हूँ बल्कि कल क्यामत के दिन मैं भी होंगी आप भी होंगे ना मेरा हिसाब आप देंगे ना आपका हिसाब मैं दूंगी आपके नाम अमाल का हिसाब आपको देना पड़ेगा मेरे नाम अमाल का हिसाब मुझे देना पड़ेगा लिहाजा तैयार हो जाइए अपने नाम अमाल को चेक कर लीजिए इससे पहले कि हमारे नाम अमाल चेक किए जाए अपना हिसाब कर लीजिए इससे पहले कि हमारा हिसाब किया जाए ये बहुत अहम चीज़ है एक बहुत बेहतरीन महीना मेरी और आपकी जिंदगी में आ रहा है अपने आमाल को चेक करना सबसे पहली चीज अल्लाह तला से दुआएं करना रमजान में दाखिल होने के लिए आपको इस्ते रमजान के तालुक पूरी चीजें बताई गई माशाला यहाँ पर है ना प्लान बनाइए अपनी जिंदगी का प्लान बनाइए फर्स्ट रमजान से लेकर लास्ट रमजान तक का प्लानिंग मेरे घर में हॉल में मेरे बेड के सामने लगे हुआ रहना कि मुझे कब उठना है कब पकाना है कब पढ़ना है मेरे पूरे वक्त को कैसे गुजारना है ये बात लिखी हुई रहना आपके पास बहुत अहम महीना है एक देखो नेकी को बढ़ा दिया जाता ना सात गुना सत्तर गुना इस नेकी को बढ़ा दिया जाता ना उसके अजर को तो हम क्या इस अजर को छोड़ेंगे ऑफर का महीना ऑफर देते दुकानों पर भागते नहीं चिंदाई शॉपिंग मॉल में अगर उन्होंने थोड़ा ऑफर दिया था पहले तो पूरे मुसलमान और तमज दिख रहे थे ये तो इतना बेहतरीन ऑफर है मेरी और आपकी जिंदगी का क्योंकि मेरी बहनों नहीं पता कि ये ऑफर मेरी और आपकी जिंदगी में आएगा भी या नहीं हमको नहीं मालूम है ना कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे लोग हैं जो रमजान का चांद देखे और उनकी रूहें परवास कर गई कई ऐसे लोग हैं जो पिछले रमजान में हमारे साथ थे लेकिन आज हमारे साथ नहीं है कई ऐसे लोग हैं जो दस रमजान तक रहते हैं लेकिन उसके बाद बादशाह कदम उनकी जिंदगी में नहीं आती अल्लाह ना करे कभी ऐसा हमारे साथ हो अल्लाह ताला हमको पूरा रमज़ान सेहतमंदी के साथ अल्लाह ताला अता करे वो तमाम की तमाम आफियतों के साथ अल्लाह ताला हमको रमजान अता करे और हम तमाम लोगों को रमजान आने से पहले मेंटली यानी जिसमानी तौर पर जिस्मानी तौर पर और रूहानी तौर पर अपने आप को मुकम्मल तौर पर तैयार करने वालियाँ बना दे के दरमियान रख रही थी जो चार अहम ऐलाना है वो इन कर आपके सामने रख के अल्लाह से दुआ करके इस बात को मुकम्मल कर दूंगी पहला ऐलान कल इनशा बोधन में जीनत पैलेस फंक्शनल में चार बजे तक जिसमें मैं इनशाला खिताब करूंगी इस रमजान बहुत सारी चीजें इन वहाँ पर रखी जाएगी इनशाला ने चाह तो ये एक पहला है दूसरा मेरी बहनों कितनी मेरी ऐसी बहनें हैं जो इस रमजान में इल्म हासिल करना चाहती है जरा मुझे बताएं अगर आप इल्म हासिल करना चाहती है, तो अल्लाह ताला आपको एक बेहतरीन मौका दे रहा है पहले रमजान से लेकर 20 रमजान तक इनशाला आईईसी इस्लामिक एजुकेशन सेंटर की जानिब से तफसीर के क्लासेस रखे गए मसाइल के क्लासेस रखे गए इनशाला खुजा कॉलोनी इनशाला यासिन मस्जिद खुजा कॉलोनी यासिन मस्जिद के करीब खुजा कॉलोनी में अलफुर खान क्लिनिक के सामने जो घर है इनशाला उस घर में ये क्लासेस रखे गए पूरे फर्स्ट रमजान से लेकर बीस रमजान तक कुरान की तफसर के क्लासेज चलेंगे तफसीर के क्लासे मैं नौशिन कौन है। और फिर जो मसाइल है वो तमाम, तमाम के, रोजे के तमाम खुदी के मसायल्लाई सी के जो अलमार मिर्जा मुखलिया वो कि तो आप, आप तमाम लोग इस क्लास को ज्वाइन करें इस क्लास में ज्वाइन होने के लिए इस क्लास में अटेंड होने के लिए हम लोगों को फॉर्म भरना जरूरी है रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है तो जो लोग भी चाहते हैं कि वो लोग इस क्लास में आए 20 दिन पूरे आना है इंशाल्लाह और मुझे इस बात का यकीन है एक दिन आएंगे ना तो फिर मजा इतना बढ़ जाएगा कि फिर वो 20 दिन तो क्या आप लोग ये बोलेंगे कि फिर और 10 दिन कंटिन्यू करें वो बेहतरीन क्लासेस है इंशाल्लाह जो तैयार की गई है आप सबके लिए उन हमारी माँ और बहनों के लिए जो यकीन इल्म हासिल करना चाहती है कुरान को समझना चाहती है टाइमिंग सुबह ग्यारह बजे से एक बजे तक रहेगा ग्यारह बजे से एक बजे तक तो इसमें उम्र की कोई कैद नहीं है और शादी शुदा नहीं आना बल्कि ऐसा भी नहीं है शादी शुदा भी आ सकते हैं लड़कियां भी आ सकते हैं लेकिन रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंपलसरी तो ये एक चीज़ थी माशा आखिर में हम अल्लाह व तआला से दुआ करते हैं कि ए अल्लाह तू हम तमाम तो के तमाम लोगों को दीन की सही समझ आता फरमा अल्लाह कुरान को समझने वालिया बना दे उस पर गौर फिक्र करने बना दे उस पर तदब्बर करने बना दे। उसके तुम को अमल करने वालिया बना दे अल्लाह ताव रमजान में हम तमाम लोगों को अल्लाह सिद्ध के साथ आफियत के साथ अल्लाह दाखिल कर दे अल्लाह रमजान मुकम्मल होने से पहले अल्लाह हमारा नाम उन लोगों में शामिल कर दे जिनसे तू राजी हो गया अल्लाह हमारा मकसद दुनिया में जन्नत को हासिल करना है अल्लाह उस मकसद को हमेशा याद

चाइना की जो हमारी बहनें हैं अल्लाह ताला तौर पर उनके ईमान की हिफाजत करे उनकी हिफाजत करे अल्लाह ताला और हम तमाम लोगों के भी इस मोदी गवर्नमेंट पे अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत करे हमारे ईमान की हिफाजत करे हम तमाम लोगों को समझने से ज्यादा सुनने से ज्यादा तो की तो दे दे आमीन व